ओम शांति। बाबा की साकार मुरली है, अगस्त 9, 2023। बाप दादा मधुबन। प्रातः मुरली है शिव बाबा के महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। कंडीशन है, जब तक देही अभिमानी नहीं बनेंगे तब तक धारणा हो नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा बढ़ाओ। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। जब तक उनके लेवल में नहीं आएंगे, उनके जैसा नहीं बनेंगे, तब तक उनकी याद आ नहीं सकती। जब तक याद नहीं तब तक धारणा नहीं। भक्ति में भी क्या किया, जब ध्यान नहीं लगा तो किसका किसके साथ लगाया, मूर्तियों के साथ, देवी देवताओं के साथ, कहीं पदार्थ के साथ, कोई ना कोई फिजिकल वस्तु के साथ। बाबा कहते हैं अभी उसमें से बाहर आ जाओ। इसलिए आत्मा समझो तो उनके लेवल में आएंगे, उनका जैसा बनेंगे, और जैसे बनेंगे तो ही उनकी याद रहेगी, बाकी नहीं रह सकती। अभी तक द्वापर से लेकर अभी तक गिरते ही आए, क्यों? क्योंकि कनेक्शन नहीं हुआ। क्यों कनेक्शन नहीं हुआ? क्योंकि लेवल ही नहीं था उनका। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो तो याद रहेगी, तो धारणा होगी। प्रश्न है, किस एक भूल के कारण मनुष्य ने आत्मा को निर्लेप कर दिया है, खास करके जो आत्मा परमात्मा मानते हैं वो निर्लेप ज़्यादा मानते हैं। उत्तर है, मनुष्यों ने आत्मा सो परमात्मा कहा, इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। क्योंकि बाबा क्या है, बाबा के ऊपर कोई लेप छेप, कोई इफेक्ट नहीं होता है। परमात्मा का डेफिनेशन है बियॉन्ड एनी इफेक्ट, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, बियॉन्ड एवरीथिंग। बियॉन्ड मतलब जिसके ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता। इसलिए निर्लेप मान लिया, लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है जिसे दुख सुख मीठे कड़वों का अनुभव नहीं, क्योंकि शरीर होगा तो अनुभव होगा नहीं, शरीर ही नहीं है अपना। जिसके शरीर में आते हैं उनको अनुभव होता है, बाबा को नहीं होता है। आत्मा तो कहती है फलानी चीज़ खट्टी है, मीठी है, जो भी है टेस्ट। बाप कहते हैं मेरे पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता है, मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, वही ज्ञान तुम्हें सुनाता। ज्ञान का सागर किसका ज्ञान सुनाता, आत्मा परमात्मा कनेक्शन ड्रामा पूरा का पूरा। उनके ऊपर कोई असर नहीं होता किसी भी चीज़ का, किसी भी टेस्ट का, किसी भी सुख का, किसी भी दुख का, क्योंकि सबसे बियॉन्ड है। और हमने कह दिया आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा निर्लेप, तो आत्मा को भी निर्लेप मान ले। बाबा कहते हैं आत्मा अपने साथ ले जाती है संस्कार, निर्लेप नहीं। इसके आधार पर ही पापात्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, देवात्मा, महात्मा, आत्मा है शरीर नहीं है, आत्मा अपने साथ ले जाती है जो कर्म करती है, उनकी इम्प्रेशन जिसको कहते हैं संस्कार। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ मैं, नई दुनिया बसा कर आई। उन्हें बाबा के पास क्यों आई, तकदीर जगा कर मगर क्यों, नई दुनिया बनाने। बाबा को अपना शरीर नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, बच्चों के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। करण करावनहार, ओम शांति। यह किसने कहा, तकदीर जगा कर आई हूँ, आत्माओं ने कहा इन ऑर्गन्स द्वारा। जब तक ऑर्गन्स नहीं, शरीर नहीं, तब तक गा नहीं सकती, बोल नहीं सकती। आत्मा शांत स्वरूप है, मुझ आत्मा को यह शरीर मिलता है तब टॉकी बनती है। जब तक शरीर न मिले तब तक आत्मा बात कैसे करे। शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती हूँ। बाबा पहला पार पक्का करा रहा, कर्म योगी। पहले पहले यह निश्चय करना है, कौन सा निश्चय, शरीर मिला है, शरीर के द्वारा मैं आत्मा कर्म करती हूँ, शरीर के बिना आत्मा कर्म कर नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले निश्चय पक्का करो, घोटो अपने को कि
आत्मा समझ में आती है या नहीं आती है, हम आत्मा समझकर हर कार्य करते हैं या नहीं करते। यदि भूलेंगे देह भान में आएंगे तो याद गई धारणा में। इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले पहले निश्चय करना है। और सत्संग में मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं, देहधारी बोलते कहेंगे फलाना महात्मा बैठा है, यहाँ यह बातें नहीं है, तुम समझते हो हम तो आत्मा है, यह शरीर रूपी ऑर्गन से है। शरीर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। ऑर्गन्स नहीं हो तो आत्मा बात कैसे करे, आत्मा एक्ट कैसे करे। आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, जिसका एक ही नाम है शिव। सुनाने वाला कौन है? परमात्मा है। दादा या कोई भाई बहन नहीं है। कॉन्शियसनेस हमारी पूरी बदल देनी चाहिए कि हम परमात्मा की बातें सुन रहे हैं, परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं। इस समय बच्चे बैठे हैं सुनने के लिए, कौन सुनाते हैं? बेहद का बाप। जब परमपिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धि योग ऊपर चला जाता है, यानी परम आत्मा परे ते परे। परम पिता शरीर में आता नहीं है, कर्म बंधन में आता नहीं है, चक्कर में आता है। और हर धर्म की धर्म स्थापक आत्मा ये भी क्या कहते हैं, गॉड इज वन अप अबोव, उंगली ऊपर है हर धर्म स्थापक की, यहाँ नहीं है या तो अपने में भी नहीं है, ऊपर दिखाई है हर धर्म स्थापक की उंगली। गॉड एक है, ऊपर है, उसमें भी नहीं है, धर्म स्थापक में किसी में भी नहीं। इसलिए बाबा कहते बुद्धि योग कहाँ चला जाता है? ऊपर। दुख होता है तो भी किसको याद करते? ऊपर वाला, मतलब ऊपर रहता है, यहाँ नहीं रहता है। शिव माना बिंदी, आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाबा कहते घोटना है, परंतु उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। किनको? उनको। वह बाप हुआ तो आत्मा ये बच्चे ठहरे, परमपिता। समझना है कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बनी हूँ, शरीर के द्वारा, जो कि सुने बिना कैसे बनेगी, जाने बिना कैसे बनेगी। रिकग्नाइज करेंगे शरीर के द्वारा सुनेगी तो ही मानेगी। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, शरीर नहीं होगा तो सुनेगी कैसे और सुने बिना बनेगी कैसे, अनुभव कैसे करेगी। और सब जगह मनुष्य मनुष्य को समझाते दुनिया में, कोई गीता पाठी होते हैं वह भी गीता को याद कर कहेंगे गीता में भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है। एक ही शास्त्र ऐसा है दुनिया का जिसमें भगवान उवाच है, बाकी कोई शास्त्र में नहीं है। बाइबल में लॉर्ड क्राइस्ट उवाच, कुरान में मोहम्मद पैगंबर, उसके आगे अब्राहम उवाच, भगवान कहीं नहीं है। समझते हैं भगवान ने साकार में यह गीता सुनाई थी, ऐसा समझते साकार में आकर। कोई बैठ वेद शास्त्र सुनाते हैं दुनिया में? वेद तो मनुष्यों ने रचे हैं ने, निराकार भगवान वेद नहीं बनाएंगे। व्यास तो मनुष्य था, इसका नाम क्या है? वेद व्यास। वेद को बनाने वाले व्यास जी, व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे क्योंकि उनको अपना शरीर है। व्यास जी को बताते ऋषि, ऋषि मुनि के रूप में, ऋषि के रूप में बताते बहुत बड़े। परमपिता परमात्मा तो बिंदी है, बच्चे साकार में है, साकारी रूप है, बाप तो है निराकार। किसका बाप है? आत्मा का बाप। आत्मा निराकार तो आत्मा का बाप भी निराकार। बाप कहते हैं मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना है। तुम छोटे बड़े होते हो, बाबा कंपैरिजन करना, छोटे बड़े मतलब शरीर की बात है, आत्मा तो ऑलवेज पॉइंट ऑफ लाइट है ना, उनका फॉर्म बदलता नहीं है, शरीर का फॉर्म बदलता है। बच्चा है तो चाइल्ड, बाद में एडोलेसेंस, बाद में मैच्योर, बाद में ओल्ड, फिर से बच्चा। तो छोटे बड़े शरीर का आकार बदलता है, आत्मा का आकार नहीं बदलता। ऑलवेज सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, सोर्स ऑफ अनलिमिटेड लाइट, या तो लाइट या तो पॉइंट ऑफ लाइट। मुझे तो कहते ही है परम पिता, वो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है क्योंकि उनको अपना शरीर ही नहीं। मनुष्य पहले बालक बन, फिर बड़े हो, बाप बनते फिर बालक बनते, चक्र। मैं तो हमेशा पिता ही हूँ, मैं बालक नहीं बनता हूँ, आत्मा का पिता।
मेरा एक ही नाम शिव है, क्योंकि उनका शरीर बदलते नहीं है, जन्म मरण में आता नहीं। तुम्हारे 84 नाम पढ़ते हैं क्योंकि 84 जन्म लेते हो। मैं परम पिता तो बिंदी रूप हूँ, सिर्फ पूजा के लिए भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा रूप बना कर रखा है। क्यों बड़ा रूप बना, इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम शिवलिंगम पूजा के लिए, ज्योति की पूजा कैसे करें, इसलिए हमने एक शेप दे दिया। लिंग मतलब शेप, आकार ज्योति का आकार, जैसे कोई का बड़ा चित्र बनाते हैं ने पांडव का कितना बड़ा बड़ा दिखाते हैं, जैसे कि बाबा एग्जाम्पल बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं, इतना लंबा मनुष्य तो होता नहीं। कितना भीम का चित्र बड़ा दिखाते हैं, बुद्ध का चित्र बड़ा दिखाते हैं, है ना। कुछ आदमी देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल कितना बड़ा स्टैचू बना, इतना बड़ा कोई लंबा मनुष्य होता नहीं है, समझते हैं बहुत बड़ा था, मान देते हैं भक्त। क्यों बनाते बड़ा, मान देते कि बहुत बड़ा होकर गए। बाप तो ऊँचते ऊँच है, बड़े ते बड़ा परम पिता परम आत्मा, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा सुप्रीम सर्वोच्च। बाप अपना परिचय बैठ देते हैं, मेरे को शिव कहते हैं, यानी उनका नाम, उनका रूप, उनका रहने का स्थान, क्वालिटीज, कर्तव्य, सब ऑक्यूपेशन, सब बच्चों को समझाया जाता है। तुमको समझना है, हम निराकार शिव बाबा के सम्मुख जाते हैं, कॉन्शियसनेस बदलनी है। माउंट आबू जाते हैं, बाबा नहीं आते तो भी कॉन्शियसनेस पूरी बदल देनी है कि परमात्मा की कर्म भूमि आज भी है, वो कहीं भी दिखता नहीं, देखने की चीज़ें नहीं, आत्मा और परमात्मा इसलिए दिखेगा नहीं। मुझे तो हमेशा परम पिता परमात्मा ही कहेंगे, क्योंकि नाम रूप से क्या है, न्यारा है। न्यारा है मतलब कोई नाम रूप नहीं है, ऐसा नहीं, मगर मनुष्य जैसा नहीं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। उनके सिवा मनुष्य सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन कोई कर ही नहीं सकता। परम आत्मा बैठ समझाते हैं, आत्मा को ही नॉलेज है, गाते भी है क्या, परम पिता परम आत्मा, माना परमात्मा वह ज्ञान का सागर है, हमको ज्ञान सुना रहे हैं, सुनाने वाला वो है, कोई मनुष्य नहीं। हमारी कॉन्शियसनेस बदल देनी है, पहले पहले आत्म अभिमानी होना चाहिए। उनकी याद कब रहेगी, जब आत्म अभिमानी बनेंगे तब, इसलिए पहली कंडीशन ये, देह अभिमानी नहीं बनना। देह अभिमानी बने तो बाबा कहते मर, माया आग। परंतु ड्रामा अनुसार तुमको देह अभिमानी बनना ही है। कैसे, द्वापर से लेकर जब तक बाबा ना आए तब तक नीचे उतरना ही है, क्योंकि ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अब फिर बाप देही अभिमानी बनाते हैं। तुम सब बच्चे हो, यह भी बच्चा है, कौन दादा, आत्मा परमपिता परमात्मा दादे से वर्षा लेती है। दादा कौन है, परमात्मा। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलना है, मिलता है, कन्या को नहीं मिलता है। तो किसको मिलता है, बच्चे, कन्या को वर्षा नहीं मिलता। बेहद का बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं हो, तुम हर एक को हक है, इसका हक है वर्षा लेने का। यहाँ कोई मेल फीमेल की बात नहीं है, तुम मुझ परम पिता परमात्मा के थे और हो, परमात्मा के बच्चे थे, आत्मा के नाते, और है और रहेंगे। कहते हैं ना, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा, महिमा करते हैं। कौन करते हैं, आत्मा, शरीर की बात नहीं, आत्मा करती है। वह लौकिक फादर तो शरीर का है, यह है आत्माओं का भाव। हम सबके लौकिक पिता अलग अलग है, मगर आत्मा का पिता और हमारे पिता का भी आत्मा का पिता वो एक ही है। आत्मा बुलाती है, ओ परम पिता परमात्मा, अविनाशी बाप को याद करते ही आए हैं। क्यों, क्योंकि रावण राज में दुखी दुख है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे कोई, यहाँ दुख है इसलिए याद करते, वहाँ याद की दरकार नहीं है क्योंकि सुख है वहाँ। जब से रावण राज शुरू होता है तब से याद करना शुरू होता है, तब तक याद नहीं करते हैं, जब दुख होता है तभी याद करते हैं। याद तो बाप को ही करना है, क्योंकि वर्षा बाप से ही मिलता है।
कोई भाई या बहन से, वर्षा काका मामा चाचा से वर्षा नहीं मिलता है। यहाँ तो मनुष्यों को बहुतों की याद रहती है, गुरु लोग की एक ही एक की याद भुला देते हैं। गुरु लोग क्या करते हैं, उनकी याद दिलाते, एक की याद भुला देते, कोई ना कोई मंत्र दे देते बीच में याद करने का। अगर सर्वव्यापी है तो फिर गॉड व फादर किसको कहे, तो चला लॉजिक दौड़ाओ, सब में है तो किसको गॉड कहेंगे, किसको फादर कहेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, उठते बैठते मुझ बाप को याद करो, बार बार याद कराते। क्यों कराते, क्योंकि भूल जाते हैं ना। समझो हम श्रीमत पर चल रहे हैं, क्या समझना है, मैं आत्मा खा रही हूँ बाबा की याद में। कैसे याद करना है, बाबा याद दिलाते, टेक्निक बताता है, मेथड बताता है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, मंजिल है बड़ी भारी। बाबा कहते हैं कोई मासी का घर नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो ही याद रहेगी। योग कोई मासी का घर नहीं है, मनुष्यों ने तो बाप का नाम ही प्राय लोप कर दिया है ना, सर्वव्यापी कह दिया, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, देवताओं के नाम डाल दिए, साधु संत के नाम डाल दिए, क्या क्या नहीं किया, गुरुओं के नाम डाल दिए। श्री कृष्ण तो बच्चा ठहरा, इतनी बड़ी प्रारब्ध जरूर बाप ने ही दी है, उनको भी प्रारब्ध देने वाला कौन, बाप है ने? परमात्मा है। बाप समझाते हैं देह सहित देह के सब धर्म भूल जाओ, अब कहते भूलो अब, यह नाम तो सब बाद में रखे गए। तो यह समझना है कि परमपिता परमात्मा द्वारा हम यह नॉलेज पढ़ रहे, समझो बाबा, सुनो सोचो और समझो। और किसके द्वारा पढ़ रहे, परमात्मा द्वारा, कोई मनुष्य के द्वारा नहीं। और कोई ऐसे स्कूल नहीं है जहाँ समझे कि आत्मा है, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई फैमिली, कोई नहीं सुनाता है, किसी को पता ही नहीं है। तुम जानते हो, क्या जानते हैं, पहले सतो प्रधान थे सतयुग में, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, ड्रामा है। अब कहते बना बनाया है, खाद आत्मा में पड़ती, जैसे ही खाद पड़ती जाती है हमारा खाता खलास होता जाता है, वैसे आत्मा की कला डाउन, 16 से 14 कला, 8 कला, 9 कला। मेरे में तो कभी खाद नहीं पड़ती, मैं एवर सच्चा सोना हूँ, कौन परमात्मा। तुम्हारी आत्माएं सब इस समय आयरन एजेड बन गई है, कलयुगी बन गई, एक भी कला नहीं रही। मम्मा भी कहेगी हमने शिव बाबा से जो सुना है वही सुना दे, कोई घर का कोई नहीं सुनाता है। जो भी पब्लिक स्पीकर है, जो भी कोर्स कराने वाला अपना थोड़ा है, सब कुछ बाबा ने सुनाया वही सुनाते हैं। शिव बाबा तो खुद ज्ञान का सागर है ने? यह बड़ी समझ की बात है, सब कुछ आता है बाबा की मुरली से। यदि मुरली ध्यान से सुनेंगे, मुरली ध्यान से पढ़ेंगे, मुरली जीवन में उतारेंगे एक या दो पॉइंट हरो स्वमान के रूप में, तो जीवन बनेगा, बाकी सब बातें हैं। बरोबर हम बाबा के बने हैं, वह हमें पढ़ाते हैं, गॉडली स्टूडेंट, नशा होना चाहिए। बाबा से पढ़कर हम जीवन मुक्त बनते हैं, जीवन मुक्त माना इस शरीर में तो आना है परंतु सुख भोगना है। जीवन मुक्त मतलब दुख से मुक्त, कर्म बंधन से मुक्त, इसको कहते हैं जीवन मुक्त। जीवन तो है मगर किसके लिए, सुख के लिए ही जीवन, इसको कहते हैं जीवन से मुक्त। विकर्माजित, कर्म तो करना है मगर विकर्म से मुक्त, विकर्म को जीतने वाले मतलब सही कर्म करने वाले, सुख भोगने वाले। भक्ति सबको, सॉरी मुक्ति सबको मिलती है परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबर वार आते। अब कहते हैं होल सेल में मुक्ति है, हम जीवन मुक्ति पाते हैं तो सबको मुक्ति ऑटोमेटिक मिल जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं उसमें नंबर वन है जीवन मुक्ति में। मुक्ति तो सब, मुक्त तो सब आत्माएं होती है ना, दुख से आधा कल्प के लिए मुक्त कर देते, इसलिए उनको कहते हैं मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता, सबको देता है, जिसको जो चाहिए वो ले ले। बाबा कहते चॉइस आपकी है, हमारी है, क्या करना क्या नहीं करना, करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो
कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं तुमको लिबरेट कर जीवन मुक्त बनाता हूँ। किससे लिबरेट करता है? जीवन मन से। तीन स्टेज है ना आत्मा की, ऊपर है तो मुक्त है, सत्युग त्रेता में जीवन मुक्त है, और कलयुग और द्वापर में जीवन बंद है। बाबा कहते स्टेजीज है आत्मा की, मुक्ति जीवन मुक्ति जीवन बंद, फिर से मुक्ति जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति जीवन बंद। बनाने वाला कौन है? वो लिबरेट करने वाला वो। फिर कोई कितने जन्म लेते हैं, फिर कोई कितने जन्म लेते हैं लिबरेशन के बाद। जीवन मुक्ति तो, जीवन मुक्त तो सब बनते हैं, सब बनते हैं। जीवन मुक्त मतलब लिबरेट, यहाँ से मुक्त जीवन से ही पूरा। सदगति दाता है ही एक, जो भी धर्म स्थापक है ने सब पुनर्जन्म लेते लेते अब तमो प्रधान बने हैं। क्योंकि बाबा भी धर्म स्थापन करते हैं, धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते हैं, मगर धर्म स्थापक मनुष्य आत्मा है, वो परमात्मा है, वो कभी भी पतित बन नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं जो धर्म स्थापन करते हैं वो भी पुनर्जन्म में आते हैं, तो भी तमो प्रधान, क्योंकि पूरी दुनिया तमो प्रधान है, आबाल वृद्ध सब। मैं आकर सबको इन दुखों से छुड़ाता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर कहते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। बेनिफैक्टर, मुक्ति अर्थात अपने घर साइलेंस धाम में जाना, यह है मुक्ति का मतलब। बाप भी परम धाम से आते हैं, जिसको परलोक कहा जाता है। परलोक ये लोक में नहीं, वो रहता है दूसरे लोग, ऊपर वाला लोग। तुम निर्वाण धाम और स्वर्ग धाम दोनों को याद करते हो, क्योंकि हमें वाया निर्वाण धाम स्वर्ग धाम जाना है, इसलिए पहले निर्वाण धाम। स्वर्ग और नरक यहाँ ही होता है, इस दुनिया में ही होता है, खाली थोड़े समय के लिए, बहुत ही थोड़ा समय, क्योंकि पूरा ड्रामा में 100 साल का संगम 2%, उसमें भी मेजोरिटी 1%, उसमें भी लास्ट जो बोले 0.5% से भी कम है। जब दोनों है, जब एस्टैब्लिश होने चालू होती है, तब स्वर्ग एक तरफ क्रिएशन, दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली चलता है। इस समय सब समझते हैं यह नर्क है, कितना दुख पाते रहते हैं। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी है, जिससे मनुष्य को डर हो और पाप करने से बच जाए, इसलिए ऐसी ऐसी बातें बैठ बनाई है। क्यों बनाई है? गॉड्स फियरिंग, परमात्मा का डर रहे, इसलिए द्वापर से यह शास्त्र बनाना शुरू करते। कब से बनते हैं? फ्रॉम कॉपरेज, तब तक शास्त्र की जरूरत ही नहीं है। जब से देह बनाया, जब से गिरे तब से बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचता, पूरा का पूरा क्या है? धर्म है। वह फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। दो युग में कोई धर्म स्थापन करने वाला नहीं आता है, फिर एक दो के पीछे सब नंबर वार आते हैं और अपने अपने धर्म को जानते हैं, है ना? जिसमें जो पाठ भरा हुआ है वो अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाएगा, फिर अपने को देवता कहला नहीं सकेंगे, वह मार्ग में गिरे तो हिंदू पतित कैसे श्री श्री अथवा श्रेष्ठ कहलाएंगे? बाप ही श्रेष्ठ बनाते हैं, देवी देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है, उनके चित्र भी है, परंतु समझते नहीं कि देवी देवता धर्म कब था और किसने स्थापन किया। क्यों? क्योंकि कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री ही नहीं है, वहाँ हिस्ट्री लिखने की दरकार ही नहीं है, और मनुष्य ने जो भी हिस्ट्री लिखी है अपने को महान बताने के लिए झूठ लिखी है। तो एक ही वो सत्य है, परमात्मा जो आकर सत्य बातें बदलाता है। सत्युग की आयु ही लंबी करती है, 4 गुना कलयुग से, और कलयुग ही 4,32,000 वर्ष का है बताया है। अब बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाबा कहते तंत्र ये है, सारी है, अब खेल पूरा होता है। देखते नहीं हो क्या? बाबा कहते मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुल रहे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है ना, उनकी तैयारी हम सब देख रहे हैं। हर कोने पे कोई ना कोई नेचुरल कैलमिटीज,
कोई न कोई युद्ध चल ही रहा है और बढ़ ही रहा है हर साल। यहाँ तो देखो, बाबा कहते हैं जगत माता का टाइटल भी कोई कोई को देते रहते हैं। वास्तव में जगत अम्बा यह है ने मम्मा है, ऐसे कोई भी नहीं होगा जो जगत पिता भी हो, शिक्षक भी हो, जगत गुरु भी हो, तीनों तीन एक साथ में कोई नहीं हो सकता। पल मनुष्य अपने पर नाम बहुत रखवाते, जगत पिता, जगत माता, जगत गुरु, परंतु है नहीं। शंकराचार्य को क्या कहते, जगत गुरु, तो जगत थोड़ा पूरा मानता है उनको, कोई जगत नहीं मानता। हिंदुइज्म में भी सब थोड़े मानते हैं, कहते जगत गुरु कोई हो ही नहीं सकता है। कहाँ वह लक्ष्मी नारायण और कहाँ यह विकारी भी अपने ऊपर टाइटल रख लेते श्री का। मनुष्य कितने बुद्ध बन गए हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल उन्हों के टाइटल फिर अपने को दे 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 श्री का टाइटल। वास्तव में ऊंचते ऊंच मर्तबा तो एक का ही है, परमात्मा का ही है, सदगति दाता एक ही है। राम कहो तो भी वह एक ही निराकार ठहरा, तीन राम में एक राम निराकार उनकी बात है। बाप कहते भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं है, कब और किसने स्थापन किया। कोई किस देवी को याद करते हैं, कोई श्री कृष्ण को, कोई गुरु को याद करते हैं। बाबा कहते तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, हर एक की मत अलग। गुरु का फोटो भी लगा देते हैं, तुम्हारा चित्र से काम नहीं है। बाबा कहते यहाँ जिसका कोई चित्र नहीं वह है विचित्र, विदाउट चित्र आत्मा विचित्र है। आत्मा सूक्ष्मते सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु, उनका क्या चित्र निकालेंगे। जैसे बाप विचित्र है वैसे बच्चे भी विचित्र है, मतलब चित्र के बिना, शरीर के बिना ओरिजिनल आत्मा ही सुनती है। बाबा ने यह तन लोन लिया है, कहते हैं बाबा क्या कहते, प्रकृति के आधार बिना मैं ज्ञान कैसे दूँ, बोले कैसे, राजयोग कैसे सिखलाऊँ। भगवान निराकार को ही कहा जाता है, उनको आना ही है पतित दुनिया में। पावन दुनिया में आकर करेंगे क्या, टाइटल है पतित पावन, पतितों को पावन बनाना, तो पावन दुनिया में तो एक भी पतित नहीं, तो वहाँ आकर क्या करेंगे। श्री कृष्ण को दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर सागर में आया, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों दिखाते, क्योंकि ये क्या है, विषय सागर है, उसमें पहला जन्म कृष्ण का पवित्रता से होता है। पीपल क्या है, पवित्र झाड़ माना जाता है, वृक्ष माना जाता है, ट्री माना जाता है। क्यों, क्योंकि 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, बहुत ही साइंटिफिक है। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है विश्व का, वहाँ और कोई धर्म नहीं है। अद्वैत राज्य है, फिर द्वैत हो जाती है, द्वापर से द्वैत, मतलब धर्म सत्ता राज सत्ता अलग हो जाती है, फिर अनेक प्रकार के धर्म स्थापन होते जाते हैं। पहला इस्लाम, ज्यूस फैमिली ऑफ रिलीजन, दूसरा बौद्ध, क्राइस्ट, शंकराचार्य, मोहम्मद पैगम्बर, और लास्ट में मेन धर्म में गिने तो गुरु नानक देव जी। धीरे धीरे तो बच्चों को यह समझना है कि बाबा इस शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं अशरीरी हूँ, इस शरीर द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ, मैं हूँ ज्ञान का सागर। यह सब बातें बाप बैठ समझाते, सिर्फ ईश्वर व परमात्मा कहने से बाप का संबंध भूल जाता, परमात्मा बाप है उनसे वर्षा मिलता है ये भूल जाते हैं। वह हमारा बाप है, क्रिएटर है, हम उनकी रचना है, उसने क्रिएट किया है, कोई तो रचता होगा ने। बाबा कहते हैं वह हमारा सब कुछ है ने। बाबा ने समझाया पुरुष हद का ब्रह्मा है, बच्चों को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को एडोप्ट करते हैं, फिर बाबा कहते हैं इन द्वारा क्या होता है, बच्चे पैदा करते हैं। तो बाबा कहते हैं स्त्री तो जरूर चाहिए ने, बाबा को कहते ही है तुम मात पिता, तो ये ब्रह्मा माता होगी, इन द्वारा एडोप्ट करते तो तुमको ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे, तुम बाप के बने हो इन द्वारा, ब्रह्मा द्वारा। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, शास्त्रों में यह नहीं है, मिसिंग लिंक है पूरी की पूरी। मुझे कहते हैं नॉलेजफुल, जानी जाननहार,
मनुष्य समझते हैं परमात्मा सबके अंदर की बातें जानते हैं, थॉट रीडर है मनुष्य ऐसा मानते हैं, लेकिन इतने सबका थॉट रीडर कैसे बनेगा वो? बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ, जिसको कहते हैं सत्य चित्त आनंद, आत्मा भी चैतन्य। ये कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं है, एटॉमिक एनर्जी नहीं है, ये लिविंग बीइंग है। शरीर असत है, घड़ी घड़ी बदलता रहता है, आत्मा तो नहीं मरती। गीता के महावाक्य सेकंड अध्याय, आत्मा यह नॉलेज ग्रहण करती है। बाप समझाते मैं परम पिता परमात्मा निर्लेप हूँ, अर्थात दुख सुख का अथवा कड़वी मीठी चीज का मुझे कोई असर नहीं होता, मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूँ, दूसरे से नहीं, ज्ञान का सागर हूँ। मनुष्य फिर कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है क्योंकि आत्मा सो परमात्मा एक है, ऐसा मान लिया। एक ने कहा बस उनके पीछे फॉलो करते रहते। बाप कहते मैं निर्लेप हूँ, मुझे कोई खट्टा खारा नहीं लगता, ये इनकी आत्मा कहती है ब्रह्मा की फलाने चीज़ खट्टी है। मेरे में सारे सृष्टि का ज्ञान है जो आत्माओं को पढ़ाता हूँ, दूसरों में नहीं है। तुम तो हरेक को समझना है हम आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा सुन रहे। यहाँ तो बरोबर भगवान वाच है, निश्चय करना चाहिए क्या गॉड क्रिएटर ही इज़ वन। पहले पहले मुख्य बात है भारत की, फिर आम सारी दुनिया। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है, यह भारत है बर्थ प्लेस पतित पावन बाप का, इसलिए एक ही कॉन्टिनेंट था। यह बहुत उच्च खंड है, हाईएस्ट कॉन्टिनेंट है, यहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। यह तुम जानते हो कि बाप फिर से देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगा रहे, जो इस धर्म के होंगे वही आकर वर्षा लेंगे, इनको सैपलिंग कहा जाता है। बाबा ने समझाया क्या देही अभिमानी बनना है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इन कानों से सुनते हैं पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते भी, सब कुछ करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति, बाप पिता बाप दादा का या प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहले पॉइंट, चित्र को भूल विचित्र बन, शरीर के बिना देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। देह सहित देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है, देह का धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दूसरी पॉइंट, देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा इसलिए पावन जरूर बनना है, देवी गुण धारण करने हैं। आज का वरदान है अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा, कैसा जीवन, लौकिक नहीं अलौकिक, ब्रह्मा मुख से पैदा हुआ जीवन, वृत्ति स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले। वृत्ति में घुस जाता है नहीं निकले, बाबा ने पहले वृत्ति बताया, वृत्ति में से स्मृति आती है, डीप हो जाता है तो, और फिर दृष्टि बनती, इसलिए बाबा ने वृत्ति पहले रखा। मर जीवा बाबा, मर जीवा बनेंगे तो ही परिवर्तन होगा। तो बाबा समझाते हैं ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं, और अलौकिक का अर्थ है सुनना, इस लोक जैसे नहीं, अलौकिक जो इस लोक जैसे नहीं है, वो दृष्टि स्मृति और वृत्ति सब में परिवर्तन। दृष्टि दिखाई देती है, स्मृति वृत्ति दिखाई नहीं देती, सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति व भाई बहन की वृत्ति रहे, क्योंकि वहाँ से स्मृति आती है, हम सब आपस में एक परिवार के हैं, ये वृत्ति रहे। और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं, तब कहेंगे मर जीवा। एक वृत्ति रहे आपस में एक परिवार के, दृष्टि से आत्मा को देखे, यही है मर जीवा। ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। स्लोगन है
सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। कैसी फीलिंग? शुद्ध, पवित्र, प्योर, क्लीन, क्लियर। तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। तो इम्प्योरिटी बाबा कहते हैं स्वप्न में भी नहीं आ सकती। अच्छा, ओम शांति।